हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर बीकॉम, बीबीए, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ मनी इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हिच इज आल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। तो ये चैप्टर बेसिकली इस टॉपिक के बारे में बात करता है कि हमारे पास लेट्स से कोई भी अमाउंट आज रिसीव हो रहा है और वही अमाउंट हमारे पास कुछ समय बाद रिसीव हो रहा है, लेट से आफ्टर वन ईयर, तो क्या ये इक्वल है? अगर मेरा कस्टमर मुझे कहता है आज मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं और मैं आपको एक साल बाद 10 लाख रुपए दूंगा, या चलो मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं, मैं आपको 10 लाख 10 हजार रुपए दे दूंगा, तो क्या मुझे ऐसे ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए? क्या मेरा जो कंपैरिजन है 10 हजार रुपए के प्रॉफिट का, इज दिस वायबल? तो यहां प्रॉफिट तो 10,000 का दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है? सो दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेल यू कि हाउ यू विल कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट रुपी वन रिसीव टूडे विल नेवर बी इक्वल टू रुपी वन रिसीव आफ्टर वन ईयर। मतलब आज का एक रुपया कल एक साल बाद के, दो साल बाद के, तीन साल बाद के एक रुपए के इक्वल नहीं होता। द वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूसेस विद टाइम। मनी वैल्यू इज लॉस्ट व्हेन द टाइम पासेस। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ मनी आर एज फॉलोज। वन ऑफ द फैक्टर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है मनी की वैल्यू को किस तरीके से कम करता है, देखिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप 1 लाख रुपए की जो चीज आज ले सकते हैं ईयर जीरो पर, क्या वही चीज आपको एक साल बाद 1 लाख रुपए की मिल जाएगी? नो, आंसर इज नो। इन्फ्लेशन जो है वो प्राइजेस इंक्रीज कर देती है, तो जो आज 1 लाख रुपए की चीज है वो कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा की हो जाएगी। तो आपकी मनी की वर्थ है आपके पास उतना ही पैसा, लेकिन आप उतनी क्वांटिटी या उस क्वालिटी की कमोडिटी नहीं परचेज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज डिफ्लेशन इन करेंसी वैल्यू, दैट इज द रुपी वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर। भाई आज से एक साल पहले डॉलर 72 रुपीज का था, ठीक है, या 70 रुपीज का था, ठीक है, आज की रेट में वो 80 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। उससे पहले वो कभी 60 रुपीज का भी हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ रुपी बढ़ती जा रही है और रुपी की वैल्यू घटती जा रही है, तो इट इज अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज डिफ्लेशन इन करेंसी वैल्यू। थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉस बाय नॉट इन्वेस्टिंग द मनी और होल्डिंग इट। कई लोग क्या करते हैं, अपने पास पैसा जोड़ के रख लेते हैं, लेट से 10 लाख रुपए आज मैंने जोड़ लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया, अपनी अलमारी के अंदर रख दिया, तो मेरा नुकसान होता जा रहा है, ये पैसा मेरा कम होता जा रहा है। कैसे? उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है वो मैंने लूज कर दी, उस पर जो डिविडेंड मैं कमा सकता था वो मैंने लूज कर दिया, उस पर मैं जो रिटर्न कमा सकता था वो मेरे लूज हो गए। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान के चलू 6% भी एफडी इंटरेस्ट मिलता है मुझे, तो मुझे इस पर 60,000 रुपए प्लस हो जाते, तो वो 60,000 क्या हो गए, लूज हो गए। This is called the opportunity cost. Even if we hold the money with us, तो हमारी value of money reduce हो जाती है। Next is postponement of desires to earn more income. कई बार हम अपनी desires को postpone कर देते हैं, like मैं अभी गाड़ी नहीं ले रहा, या मैं अभी कोई foreign trip नहीं जा रहा, मैं पैसा invest करूंगा और उस पर returns कमाऊंगा। Okay? तो जब मैं अपनी desires को postpone करता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ एक expected return चाहता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट से, और अगर वो उतना नहीं मिल पा रहा तो दैट विल रिड्यूस द मनी वैल्यू दैट आई हैव इन्वेस्टेड। ओके,
तो हमें सभी फैक्टर्स को लेकर आगे चलना है और ये देखना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे सामने आता है तो क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाट एन अकाउंटेंट डज। एक अकाउंटेंट के पास अगर रिवेन्यू आ रहा है 10 लाख रुपए का और उसका कॉस्ट जो उसको पड़ रहा है वो पड़ रहा है 8 लाख, तो उसे तो दिखेगा ना 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास 5 साल का एक प्रोजेक्ट आया, उस 5 साल के प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट जो लगा वो लगा 10 लाख रुपए और मेरी जो कॉस्ट मेरे को जो रिवेन्यू हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 10 लाख रुपए हुआ और मुझे जो रिवेन्यू आया वो 15 लाख आया, तो फॉरेन अकाउंटेंट मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। राइट भाई, 5 लाख 15 लाख का रिवेन्यू कमाया और उस पर 10 लाख का खर्चा हुआ तो 5 लाख का फायदा हो गया। लेकिन एज पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ये 5 लाख का प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज ये पैसा हमें 5 साल के प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद मिल रहा है। तो मतलब 5 साल बाद जो 5 लाख रुपए मिल रहा है, आज उस पैसे की वर्थ कितनी है? आज उस पैसे वही चीज जो 5 साल बाद 5 लाख की है, आज क्या पता वो मुझे 3 लाख में मिल रही हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू नो एंड फॉर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोस फर्स्ट, कि कैसे अगर हमारे पास कोई भी कैश फ्लो आ रहा है उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। द फॉर्मूला इज, जो भी कैश फ्लो आपके पास रिसीव हो रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पीवीएफ आरएन से। व्हाट इज पीवीएफ? पीवीएफ स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बेसिकली ये फैक्टर आपको बताता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट लेट से जो भी चल रहा है, 10% चल रहा है, 8% चल रहा है, 6% चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, और अगर आपको कोई एक्स पीरियड के बाद या एंथ पीरियड, कोई भी पीरियड के बाद, कितने भी साल के बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो इस टेबल को पहले हम समझते हैं। यहां पर हमें टेबल दिया हुआ, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। तो ये जनरली एग्जाम में आपको मिलता है, ये वैल्यूज मिलती हैं। क्या बता रहा है? ये रुपी वन की वैल्यू बता रहा है। अगर आपको 1 रुपया 1 साल बाद मिलता है और इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो वो आज के 90.909 मतलब लगभग 90 पैसा के इक्वल है। आज आपको 90 पैसा मिल रहे हैं, आपको 1 साल बाद 1 रुपया मिल रहा है, इक्वल। 20 साल बाद अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है और इन्फ्लेशन है 10%, तो वो आज के 0.1486 लगभग 15 पैसे के इक्वल है। तो ऐसे ही हमें समझना है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी अमाउंट मिल रहा है तो हम उस अमाउंट को ना देखें, उसकी आज फाइनेंशियल वर्थ देखें, टुडे प्रेजेंट वैल्यू देखें उसकी आज हम। ओके, फॉर दिस हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा कि कोई भी कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, सो दैट हम उसको आज कंपेयर करें। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन। Amount received is 1 lakh after a period of 5 years. Discounting rate या inflation rate या expected return of rate. These are the rates which is affecting the value of money year by year. That is 10% per annum. आप देखें कि 1 लाख रुपए अगर आपको 5 साल बाद मिलता है और inflation rate आपका 10% है, तो आज की रेट में उसकी worth कितने रुपए के equal है? आज वो आपके लिए कितनी worth रखता है? That is cash flow इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आर इज 10%, दैट इज इन्फ्लेशन रेट, एंड एन इज 5 ईयर्स। कैश फ्लो आपका 1 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, ये कैसे निकालेंगे हम? आर 10% और 5 ईयर्स, हम जाएंगे यहां पर, आर इज 10% एंड एन इज 5 ईयर्स। द वैल्यू ऑफ रुपी वन इज 0.6209। तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, विच इज 0.6209 मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू इज 62090। मतलब जो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है आज की डेट में, दैट इज इक्वल टू 62090 रुपीज। अब जरा मैं इसका इंटरप्रिटेशन समझाता हूं आपको। लेट से आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाता है और कहता है यार 80,000 रुपए लगा दो, आपको 5 साल बाद 1 लाख मिल जाएगा, तो आप क्या कंपेयर करोगे? आप अकाउंटेंट अकाउंटिंग टर्म्स में तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो आपकी वर्थ तो 62,000 की मिल रही है, मतलब आपको लगभग 18,000 रुपए का, या अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें दैट इज
17910 का लॉस हो रहा है, नेगेटिव में हो आप, दैट्स वाई दिस चैप्टर इज नेसेसरी फॉर यू, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, अमाउंट रिसीव्ड है 10 लाख आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स, डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो जरा बताइए फटाफट कैसे निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो कितना आ गया 10 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल कहां पर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ये रहा, कैसे निकालेंगे आप 8 इयर्स और 10%, 8 इयर्स 10% दैट इज 0.4665, 4,66,500। अब आप देखिए, देखा जाए तो आपको 4,66,500 रुपीज मिल रहा है आज की डेट के हिसाब से, वैल्यू दिख रही है 10 लाख, ठीक है, लेकिन उसकी वर्थ क्या है 4,66,500। तो मतलब अगर आज आपको कोई कहता है कि भाई 8 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, लेट से 5 लाख रुपए, और आपके पैसे 8 साल में डबल हो जाएंगे, 10 लाख बन जाएंगे, तो आप उसको यस करोगे, नो, नो कहेंगे, क्योंकि उसकी वर्थ तो 4,66,500 ही है। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिए, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है आप यू कैन कमेंट और आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 20 इयर्स इज 50 लाख, आर इज 8%, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 50 लाख इज द कैश फ्लो जो आपको कब मिल रहा है 20 साल बाद, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विल बी 8% 20 इयर्स, तो अब यहां पे आप टेबल में देखेंगे कितना आ रहा है 20 इयर्स 8% दैट इज 0.2145, तो ये आ जाएगा 50 लाख 0.2145, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 10,72,500, मतलब 10,72,500 रुपए आपको वर्थ है इस 50 लाख की जो आपको 20 साल बाद मिलने वाला है। तो इफ समवन इज सेइंग यार 10 लाख रुपए लगा लो आपको 50 लाख मिल जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट 40 लाख का नहीं है, आपका प्रॉफिट कितना है सिर्फ 72,500, बाकी तो आपकी इन्फ्लेशन ही खा जाएगी जितना रिटर्न आप कमाओगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज अ केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लोज। ऐसे अगर आपको हर साल कैश फ्लोज मिल रहे हैं, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देखिए इन दैट केस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल फिक्स्ड कैश फ्लोज, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको हर साल, लेट से हर साल एक फिक्स अमाउंट आता जा रहा है, तो आपको देखना है कि भी टोटल उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आपको एक एक करके ना देखना पड़े, तो इन दैट केस आप कैश फ्लो ले लो, दैट इज कॉल्ड एन्युइटी, एनुअल कैश फ्लो, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको पीवीएफ से, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युइटी। इसका मतलब जो आपको हर साल पैसा मिल रहा है फ्यूचर में, उसकी आज की डेट में सबकी टोटल मिला के प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें। इन दैट केस यू विल गो टू दिस टेबल, दिस इज कॉल्ड पीवीएफ टेबल, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर टेबल, यहां मैं लिख भी रहा हूं, यह आपको एग्जाम में मिलेगा। ये आपको देखिए क्या दिखा रहा है, अगर आपको 1 रुपया हर साल मिल रहा है 5 सालों तक, तो आपको तो दिख रहा है 5 रुपए मिले, लेकिन व्हाट दिस टेबल इज सेइंग, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो उसकी वर्थ कितनी है सिर्फ 3.79, मतलब 3.79 रुपी, तो 5 रुपी नहीं है, दैट इज इक्वल टू 3.79। अगर आपको 10 सालों तक मिल रहा है तो आपको लग रहा है 10 रुपीज मिल रहे हैं, नहीं, दैट इज इक्वल टू 6.144 रुपी। अगर आपको 20 सालों तक मिल रहा है तो आपको लग रहा है 20 रुपीज मिल रहे हैं, नहीं, दैट इज इक्वल टू 8.513। सो ये 1 रुपी की वैल्यू बताता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी अमाउंट से तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है उस अमाउंट की वैल्यू बताने, ठीक है, लेट्स सी हाउ वी डू इट। यहां पर हम, आप यहां पर 1,00,000 रुपए हमें मिल रहा है फॉर 8 इयर्स, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 8 लाख आ गया। अब हमने सबकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू निकाली और आर माना 10%, आर 10% है तो 1 साल बाद का फैक्टर हो गया, दैट इज फॉर सिंगल कैश फ्लो 0.909, 0.8264, 0.7513, लाइक दिस, दीज वैल्यूज वी हैव टेकन फ्रॉम दिस टेबल, पीवीएफ टेबल।
पॉइंट 9.09.8264 दिस 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 दिस। तो 8 साल तक हमारे पास जो कैश फ्लोज आए उसकी हमने इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती, कैश फ्लो को हम पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देते, इंडिविजुअल वैल्यूज उसकी यहां पर हमारे पास आ गई ए इंटू बी करके, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए इस लॉन्ग प्रोसेस को अगर आपको फॉलो नहीं करना तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज निकालने के लिए आप एन्युटी अमाउंट ले लो, जो भी आपका पैसा हर साल आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन, आर इज 10% एन इज 8 ईयर्स। तो ये एन्युटी कितना है, एन्युटी इज 1 लाख, 1 लाख इज एन्युटी, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी फैक्टर कितना आएगा, 10% 8 ईयर्स, तो 10% 8 ईयर्स 10% है, ये देखिए 10% ये रहा और 8 ईयर्स यहां पर ये वैल्यू आ रही 5.3349, दैट इज 5,33,490। अगर आप देखें ये वैल्यू कैसे आई है, ये कुछ नहीं समेशन है इंडिविजुअल फैक्टर्स का, ठीक है। तो अब एग्जांपल नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व यहां करा हुआ है, तो प्लीज लुक हियर। अब यहां पर हमारा कैश फ्लो है 50,000, तो एन्युटी अमाउंट जो हो गया हमारा 50,000 आ गया, एन इज 8 ईयर्स, एन 8 ईयर्स है, एंड आर इज 8%, ठीक है। तो अब यहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे सारे कैश फ्लोज का, सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली, एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, आर इज 8% और एन इज 8 ईयर्स। आप ढूंढिए इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर, 8% 8 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 5.7466, 50,000 इंटू 5.7466, द वैल्यू विल बी 287,330, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें कोई जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए दैट विल बी क्लियर टू यू। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है फ्यूचर वैल्यू के ऊपर जल्दी, तो जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, प्लीज डू दैट, थैंक यू सो मच।